तो देखिएगा आप लोग कि इन पट्टों को हमारे जहरवाद हो चुका है, और मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इस पट्टे को। ये देखिए, इसको मतलब जो फुड़िया थी इसकी जहरवाद की, अंदर से बाहर भी आ चुकी है। ये देखिएगा दोस्तों, अंदर से बाहर भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कियारस कादरी पिजन। ले जी दोस्तों, आज यार हमारे दो पट्टों को क्या है कि ये मौसम ऐसा चेंज हुआ है, और मौसम चेंज होने के साथ साथ एक बीमारी भी आ चुकी है, जो कि आप लोगों के कबूतरों में ना हो तो बेहतर है, पर हमारे दो पट्टों में हुए तो हम आप लोगों को उसका इलाज भी करके बताएंगे। तो उनको हुआ है दोस्तों जहरवाद, जैसे कि जो गले में गिल्टी हो जाती है और गर्दन में वगैरह गिल्टी हो जाती है, तो हमारे कबूतर और जो पट्टे हैं वो खाद दाना पीना खा नहीं पाते हैं, उनको क्या है गले में अड़ जाता है। गले में अड़ने के बाद कुछ दिन बाद वो जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं आप, मैं इसको सही से दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि मैं रुकना थोड़ा, हाँ अब ये क्लियर हुआ। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा कि इस पट्टे को कितनी प्रॉब्लम है, और ये अपने माँ बाप से दाना पीना भी नहीं खा पा रहा है, क्योंकि मैंने आज ही इसको गौर किया, मालूम नहीं कितने दिन से है, कितने दिन से क्या एक दो दिन का हुआ है। ये देखिएगा कितना गला फूल गया है इस पट्टे का दोस्तों। और मैं अभी इसको आप लोगों को जुबा खोल कर दिखाता हूँ, इसका मुंह खोल कर दोस्तों। दाल में क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिएगा दोस्तों, ये दाना अड़ा हुआ है, और अभी हम इसको निकालेंगे दोस्तों। जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं ना, तो हमारे बच्चे मर सकते हैं दोस्तों, मर ही जाएंगे, मर कह सकते हैं दोस्तों। इसको भी है, ये उसका बड़ा भाई है, पर अभी क्या है ये, इसको ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि इसको अभी शुरू हुआ है। ये देखिएगा इसका गला फूला हुआ है दोस्तों, इसका भी शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको निकाल देंगे, और उसके बाद इनमें आप लोगों को मेडिसिन वगैरह क्या देनी है और देसी नुस्खा क्या देना है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को फुल देखें, और जो भी भाई चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे दोस्तों। तो सबसे पहले हमको इस बच्चे का इलाज करना होगा, और इसके इलाज साथ साथ हमको पहले लेनी पड़ेगी ये चिमटी। ये चिमटी नहीं होगी दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को हमको बुलाना है या नहीं बुलाना है, आपके साथ कोई हो या नहीं हो, कुछ नहीं करना है, हमने अकेले ही ये इतना कर सकते हैं प्रोसेस दोस्तों। ये देखिएगा इस तरीके से हमने मुंह खोलना है, ठीक है। इस तरीके से मुंह खोलने के साथ साथ ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दाना एक निकला हुआ है, और हमने इनकी सारी की सारी ये गिल्टियां वगैरह हैं ये दोस्तों निकालनी। मैं अभी इसको निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिएगा, ये जहरवाद था, ये गिल्टी निकली हुई है एक पट्टे के, और एक पट्टे का क्या है बाहरी मामला है उसका, तो उसको भी हमने अभी और ज्यादा वो करना है उसके साथ में, और वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो देते हैं। सबसे पहले हम उसको मतलब उसका मुंह साफ करते हैं, मतलब गला साफ कर देते हैं दोस्तों। तो गला किस तरीके से साफ करना है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने एक इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी लेना है दोस्तों, ये चेक करिएगा। पानी लेने के बाद ये पट्ठों को पिलाना है, ठीक है। पट्ठों को पिलाने से उससे क्या होगा, इनका गला साफ हो जाएगा, आप तेजी से दाब देंगे भर। ये देखिए दोस्तों कि मैंने ये पट्ठा है, इसका गला थोड़ा सा खोलेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा पानी दे देंगे, उससे क्या है हमको मालूम चलेगा कि इसके जिस्म में मतलब जो गला है इसका वो साफ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका पानी ज्यादा बाहर आएगा, समझ लेना उसका गला ज्यादा साफ नहीं हो रहा, और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से कबूतर का खुद गला खोलकर। दोस्तों अब हम देने वाले हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन का नाम है जेनफ्लॉक्स 100 DT एंटीबायोटिक। ये बहुत सी बच्चों के कारगर है, बच्चों के लिए दोस्तों बहुत सी बीमारियों में, और हमको अभी ये देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बैगनी कलर में जो कि इसका पत्ता है नीचे से, और आप कहीं भी जाकर मेडिकल पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो हम अभी इसको किस तरीके से देना है वो आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा नमक ले लिया है हमने, और नमक अपनी उंगली से इनके हाथ में मतलब जो कि गले में डालना है, और इनके धीरे धीरे होते हुए निकल जाएगा। तो जहरवाद क्या है, दोबारा नहीं फैलेगा, एक बार हो चुका फिर उनको दोबारा नहीं होगा, तो हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग किस तरीके से लेना है। एक ये वाला पट्टा ले लिया हमने, बड़ा पट्टा पकड़ लिया दोस्तों, और जो कि है नमक है इसको हमने गले में छोड़ ही देना है, वो आगे चल के अपने हाथ से सेफ्टी कर लेगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अब ये धीरे धीरे अपना लेके जाएंगे, इनका थोड़ा मुंह खराब जरूर हो जाएगा, पर माशाल्लाह से ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे,
अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, हमने दूसरी पट्टी के भी ले लेना। ये चेक करिएगा दोस्तों, और अब इनको दोबारा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जो कि रस, जो सलाइवा बोलते हैं हम लोग, सलाइवा है जो कि वो धीरे धीरे करके गर्दन से गले तक जाएगा, नीचे पोटर तक जाएगा, तो इनका सारा जहरवाद है जो कि मर जाएगा दोस्तों। चेक करिएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या है, एक गोली लेनी है, जो कि एक गोली लेनी है आप लोगों को दोस्तों। और एक गोली के साथ साथ हमने एक गोली के तीन हिस्से कबूतर के बच्चे को देना है, मतलब एक गोली के तीन हिस्से करेंगे तो एक बच्चे को एक हिस्सा, दो बच्चे को दो हिस्सा, तीसरे बच्चे को तीसरा हिस्सा, इस तरीके से दोस्त देना है। तो हमने कि इसका एक हिस्सा हटा के दो हिस्सा ले लेता हूँ, और दो हिस्सा लेने के बाद दोस्तों हमने कैसे देना है जो कि मेडिसिन को, वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जहरवाद निकाला है तो बच्चों की जो कि दर्द भी हो जाता है गले में। तो हमने सबसे पहले इसमें ये निकाली है, तो दो बच्चों के लिए कारगर है दोस्तों। ये चेक करिएगा, बहुत फास्ट तरीके से जो कि पानी में घुल गई दोस्तों, ये चेक करिएगा, हमने घोल दी है इसको दोस्तों। और घोलने के साथ साथ अब हमने जो कि इंजेक्शन में भर के ही अपने पट्ठों को पिला देंगे, ये चेक करिएगा दोस्तों। और अब टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत जल्द से जल्द अपने पट्ठे ठीक हो जाएंगे दोस्तों। ये चेक करिएगा दोस्तों, इस तरीके से मिलाना है आप लोगों को, जो कि अब हमारी पट्ठों के लिए दोस्तों मेडिसिन तैयार हो गई है। ये चेक करिएगा दोस्तों, और अब हम भर लेते हैं पूरा इसको। और इसमें हम थोड़ा पानी और भर लेंगे, तो चेक करिए, थोड़ा और निकल भी जाएगा, चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इस डंडी के सहारे से आप लोगों को पिलाना है, कि हमने एक बच्चे को चार डंडी पिलानी है और दूसरे बच्चे को चार डंडी, ये आप लोगों को देख के पिलाना है, तो दोनों में दवा बराबर जाएगी। और इसको थोड़ा सा मिला लें सबसे पहले दवा को, और मैं अभी अपने बच्चे को एक जो कि अभी पिला के दिखाता हूँ आपको, एक से लेकर चार तक, और फिर एक से लेकर फिर चार तक अपने बच्चे को दवा देनी है दोस्तों। ये चेक करिएगा, सबसे पहले हम छोटा पट्ठा लेते हैं, और छोटा पट्ठा लेने के साथ साथ दोस्तों हमने इसको पिलाना है इस तरीके से, ये देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों ये चेक कर सकते हैं कि इसके मुंह में चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पट्टे पट्टे को ले लेते हैं दोस्तों, और इससे क्या है, इनकी जो अंदर का जख्म है माशाल्लाह अल्लाह के करम से जल्दी इस दवाई के जरिए से ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये चेक करिएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं दोनों पट्टे सेफली हमने पिला दिया है दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।